हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वेल्ड लाइन, यानी कि वेल्ड लाइन जो है वो एक डिफेक्ट है जो इंजेक्शन मोल्डेड प्रोडक्ट में आता है। क्या होता है वेल्ड लाइन, उसके बारे में जानते हैं। तो व्हेन टू और मोर प्लास्टिक स्ट्रीम्स मीट एट डिफरेंट टेम्परेचर एज द प्लास्टिक इज फिलिंग द मोल्ड कैविटी, द टू स्ट्रीम्स मे नॉट करेक्टली मिक्स टूगेदर। व्हेन दिस हैपन इट फॉर्म्स ए वेल्ड लाइन। यानी कि जब हमारी दो या दो से अधिक जो प्लास्टिक जो मेल्टेड मटेरियल है उसकी जो धाराएं रहती हैं वो एक डिफरेंट टेम्परेचर पे मिलती हैं मोल्ड में फिलिंग के दौरान, मोल्ड में जब मटेरियल जो है फिल होता है उसके दौरान, तो जो पूरी तरीके से मिक्स नहीं होती हैं, तो उस टाइम में क्या हो एक वेल्ड लाइन जो है क्रिएट होता है। तो जो मेल्टेड मटेरियल है उसका जो मतलब जब हम इंजेक्शन करते हैं तो मोल्ड में जो मटेरियल है वो फ्लो होता है, तो यानी कि पूरी तरीके से जो उसका फ्लो की जो स्ट्रीम्स हैं जो धाराएं हैं वो प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होती हैं, तो वेल्ड लाइन हमारा आता है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो वेल्ड लाइन है वो क्यों आता है और उसके क्या सॉल्यूशन हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका रीजन दिया है द प्लास्टिक्स मटेरियल इज नॉट फुल्ली मेल्टेड और इज अंडर ड्राइंग। यानी कि क्या हो सकता है, वेल्ड लाइन आने के चांस हो सकता है कि आपका जो मटेरियल है पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हुआ है और या फिर ड्राई नहीं है। तो इसके सॉल्यूशन क्या हैं, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ फीड सिलेंडर, यानी कि जो हमारा बैरल है उसका हमें टेम्परेचर को इंक्रीज करना है। मेक द बैक प्रेशर हाइयर, बैक प्रेशर को हाई रखना है। इंक्रीज द स्क्रू स्पीड, स्क्रू की जो स्पीड है उसको हम हाई कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मेक श्योर द मटेरियल इज फुल्ली ड्राइड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारा मटेरियल है रॉ मटेरियल वो पूरी तरीके से ड्राई होना चाहिए, उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, यानी कि नमी नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आपका यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है द मोल्ड टेम्परेचर इज टू लो, हो सकता है कि जो हमारा मोल्ड का टेम्परेचर है वो कम हो, तो उस कंडीशन में इंक्रीज द हीट अप्लाइड टू द मोल्ड। उस कंडीशन में हमें क्या करना है, जो मोल्ड का टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। इंजेक्शन स्पीड इज टू लो, हो सकता है कि आपका जो इंजेक्शन की स्पीड है बहुत ही कम है, तो उस कंडीशन में हमें जो उसका इंक्रीज करना है फ्लो स्पीड को, यानी कि जो इंजेक्शन स्पीड है उसको हमें बढ़ाना है, जिससे कि हमारा जो फ्लो का स्पीड है वो बढ़ जाएगा। द इंजेक्शन प्रेशर इज टू लो, हो सकता है आपका जो इंजेक्शन प्रेशर है वो बहुत ही कम है, तो उस कंडीशन में इंक्रीज इंजेक्शन नोजल प्रेशर, तो उस कंडीशन में जो इंजेक्शन नोजल जो प्रेशर है उसको इंक्रीज करना है। द मटेरियल इज नॉट प्योर और मिक्स्ड विथ इम्प्योरिटी, तो हो सकता है कि जो हमारा मटेरियल है वो उसमें हमारा कुछ पूरी तरीके से मिक्सिंग नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में चेक द मटेरियल क्वालिटी टू मेक श्योर इट हैज़ नॉट बीन एक्सपोज टू एक्सटर्नल पॉल्यूशन और चेंज टू द डिफरेंट मटेरियल। यानी कि जो हमारा मटेरियल है उसमें कुछ पॉल्यूशन वगैरह मिक्सिंग नहीं होना चाहिए, उस मटेरियल जो है प्रॉपर तरीके से हमारा सेम होना चाहिए और वो मिक्सिंग होना चाहिए पूरी तरीके से। हो सकता है कुछ उसमें अदर पार्टिकल या अदर मटेरियल से मिक्सिंग किया हुआ हो सकता है। तो इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज टू मच मोल्ड रिलीज, यानी कि जो हमारा मोल्ड का रिलीज है जो इससे हम मोल्ड को रिलीज करते हैं जो स्प्रे रहता है वो हमें अधिक यूज नहीं करना है, तो उस कंडीशन में डिक्रीज द मोल्ड रिलीज और ट्राई नॉट टू यूज इट इफ नॉट नीडेड। यानी कि जो हमारा मोल्ड रिलीज करने के लिए जो स्प्रे हम यूज करते हैं तो उस अगर हमें ज़्यादा यूज कर रहे हैं उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है, तो उस कंडीशन में हमें जो मोल्ड रिलीज स्प्रे है उसको कम यूज करना है, और हो सकता है अगर ज़रूरत नहीं है तो हम इसको नहीं यूज करेंगे। द रनर एंड इन गेट इज टू स्मॉल और द लोकेशन ऑफ गेट इज नॉट सुटेबल, यानी कि जो हमारा रनर और गेट है वो बहुत ही छोटा हो सकता है, उसका जो लोकेशन है वो सुटेबल नहीं हो सकता है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, इंक्रीज द साइज ऑफ रनर एंड इन द गेट और चेंज द गेट लोकेशन। उस कंडीशन में हमें क्या करना है, रनर और जो गेट है उसका साइज को इंक्रीज करना है और जो गेट का लोकेशन है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे पॉइंट हैं जिस पे आप काम करके ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं वेल्ड लाइन का। तो हमें स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर में काम करना है। कोई भी डिफेक्ट के पीछे आपका पर्टिकुलर एक रीजन नहीं रहता है, तो हमें उस पर स्टेप बाय स्टेप काम करना है। अभी यहाँ पर कुछ इमेजेस दिखाए गए हैं जिसमें कि वेल्ड लाइन जो है प्रॉब्लम वो आया हुआ है, तो आप यहाँ से उसको इमेज को देख के समझ सकते हैं कि वेल्ड लाइन किस तरीके से दिखाई देता है। जैसे कि आप एक ट्रांसपेरेंट जो पार्ट है उसमें
रेड जो एरो साइज से इंडिकेट किया गया वेल्ड लाइन को, यहीं पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट यानी कि जो प्रोडक्ट है उसमें वेल्ड लाइन को दर्शाया गया है। तो यानी कि आपका जब भी मोल्डिंग में ये वेल्ड लाइन का जो प्रोडक्ट प्रॉब्लम है आपका आएगा तो आप उसको समझ सकते हैं, यानी कि ये वेल्ड लाइन इसको डिफेक्ट बोलते हैं। और इसको सही करने के लिए इसके रेमेडीज़ क्या क्या हैं, इसके कॉजेस क्या क्या हैं, वो आप समझ गए होंगे और उस पर आप उस पैरामीटर को सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।